डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। काव्य खंड का बेटा पहला रिशन है सूरदास और उनकी रचना है पद है, ये देखिए। तो मैंने कुछ पद इस लेसन के पढ़ा दिए हैं, ये 7 पद मैंने पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपको 8वां पद पढ़ाऊँगी। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पद में जो है सूरदास जी ने जो लिखा है ये पद 8वां, इसमें बता क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो बेटा इसमें क्या है, गोपियां जो है उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा मन जो है एक है, मेरे पास 10 मन नहीं है, मैं 10 मन वाली नहीं हूँ, और श्री कृष्ण के बिना मेरा जो शरीर है वो बहुत ही शिथिल हो गया है। कहने का मतलब है कि ये जो है उद्धव और गोपियों में प्रसंग चलता है, और जब योग साधना को धारण करने के लिए उद्धव जी कहते हैं तो जो है गोपियाँ उसी का जो है उन्हें उत्तर देती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास में 10-20 मन नहीं है, जिसमें जिनको कहो तो मैं उन ईश्वर को बसा लूँ। तो चलिए आगे हम पढ़ करके आपको बताते हैं। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास मन न भये 10-20, मेरे मन 10-20 नहीं है, मेरे पास एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। मेरे पास क्या है, एक ही मन है, और उस मन में एक हो तो बस एक ही मन था, सो गयो श्याम संग, श्याम मीन्स होता है कृष्ण, वो भी जो है श्री कृष्ण के पास चला गया है, वो मन मेरे पास भी नहीं है। को अवराधे ईश, तो मैं कैसे अवराधे ईश, मतलब जिस ईश्वर, ईश मीन्स होता है भगवान, तो तुम जिस ईश्वर के बारे में कह रहे हो मैं कैसे उसको अपने हृदय में बसा लूँ, कैसे उस जो है ज्ञान के बारे में मैं मनन करूं, और कैसे जो है तुम्हारे द्वारा बताए गए उस अवराधे, मतलब तुम्हारे द्वारा बताए गए उस निर्गुण ब्रह्म की मैं कैसे आराधना करूं, कैसे उसकी आराधना की जाए। अर्थात जो है तुम जो नियम धर्म बता रहे हो पालन करने के लिए, उस नियम धर्म का पालन मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो मेरा हृदय, मेरा मन मेरे पास है ही नहीं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन ज्यों देही बिन सीत। हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण चले गए हैं तब से क्या है, मेरी इंद्रियाँ सब क्या हैं, शिथिल पड़ गई हैं। इंद्रिय मतलब कार्य करने की जो शक्ति है मेरे शरीर में, जो शक्ति क्या है, छीन हो चुकी है। अब मेरे शरीर में क्या शक्ति नहीं है, केशव बिनु, केशव क्या है, केशव श्री कृष्ण को कहा गया है, तो केशव को बिन, केशव जो है जब से केशव चले गए हैं तब से मेरा शरीर क्या है, दुर्बल हो गया है, निर्बल हो गया है, अब इसमें शक्ति नहीं है। उसी प्रकार जैसे ज्यों देही बिन सीस, जैसे जो है सिर वाला धड़ जो है शिथिल हो जाता है, जैसे मतलब सिर और धड़ को अलग कर दिया जाए तो क्या है, वो बेकार हो जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, वैसे क्या है, हम श्री कृष्ण से जो है दूर हो गए हैं। उसी प्रकार जो है दूर होने पर क्या है, हमारा जो शरीर है वो जीवित तो है लेकिन मृत्यु के समान है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई जान नहीं है। आशा लागी रहत तन स्वासा, जीवन कोटि परीस। आशा, लेकिन तब भी क्या है, आज भी मैं मेरे मन में ये जो है आशा है, मतलब जब तक मेरी सांसें हैं तब तक क्या है, आशा लागी रहत तन स्वासा, तन मीन्स शरीर, स्वास मीन्स सांस, जब तक हमारी सांस चलती रहेगी तब तक ये आशा लगी रहेगी, जीवन कोटि परीस, कि मेरे श्री कृष्ण जी वापस लौट करके आएंगे, अवश्य ही मथुरा से लौट करके आएंगे। और क्या है, जीव ही कोटि बरीस, मतलब ये जो जीवात्मा है, जो मेरा शरीर है, एक कोटि मीन्स होता है करोड़ों, बरीस मीन्स होता है वर्ष, तो मेरा शरीर क्या है, करोड़ों वर्षों तक ये इस आशा में जीवित रहेगा कि अवश्य ही श्री कृष्ण आएंगे, तब तक मेरे प्राण निकलने वाले नहीं हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। हे उद्धव, तुम तो जो है बहुत बड़े ज्ञानी हो, और तुम्हारे जो
सखा है, सखा मीन्स होता है मित्र, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के इस और हे उद्धव, और तुम तो क्या है संपूर्ण योग साधना को, सकल मीन्स होता संपूर्ण, योग जोग मीन्स होता योग, तुम तो संपूर्ण योग साधना के ईश्वर के बारे में जानने वाले हो, अर्थात तुमको तो विद्या और ज्ञान का पूर्व पूर्ण ज्ञान है, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो तुम बता दो कि मेरा श्री कृष्ण से मिलन कब होगा, तुम मुझे अपने श्री मेरे श्री कृष्ण जी से मिला दो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं जो है कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं, गोपियाँ उनके प्रेम में इतनी विकल हैं जो है वो श्री कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह पा रही हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से, जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सूर हमारे, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से कह रही हैं कि हमें क्या है नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, तुम मुझे स्पष्ट बता दो, स्पष्ट जो है मैं अब बता दो कि आप जो है मुझे मिलाओगे, यदि आप इतने ज्ञानी हो, अपने आप को बताते हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरा जो है मिलन करा दो, और जो है मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहती हूँ स्पष्ट रूप से कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, मेरे जो श्री कृष्ण है नंद नंदन, मेरे जो कन्हैया हैं उनके बिना और मेरा इस दुनिया में और कोई ईश्वर जगदीश, मतलब ईश्वर मेरा उनके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है, मेरे मन में मेरे हृदय में सिर्फ उन्हीं का वास है। इस प्रकार बेटा ये आपका 8वां पद भी कंप्लीट हो गया है, अगला पद मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाकर बताऊंगी। धन्यवाद।